हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं सफरनामा विद निखिल। और देखो, पता है राजस्थान में बहुत सारी स्कीमें चल रही है राजस्थान गवर्नमेंट की, उसमें लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। और अभी एक स्कीम चल रही थी जहां पर 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन मिलना था, तो बहुत सारे परिवारों को मिला। वैसे ही हमारी फैमिली में भी एक मोबाइल फोन मिल गया है। ये तो ये सीएम जी ने हमें दिया है एक मोबाइल फोन गिफ्ट। गिफ्ट तो नहीं, जो भी था ये मोबाइल फोन मिला है। सो 1 करोड़ 30 लाख लोगों को मिलना था, उसमें से एक हमारे फैमिली में भी आया है। वैसे ही बहुत सारे लोगों को मिलेगा। अगर आपको किसी को भी मिलने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। हम कोशिश करेंगे आपको मोबाइल फोन दिलाएं आपका, अगर आप एलिजिबल हैं तो। कंडीशन है, अगर आप एलिजिबल है तो हम आपको मोबाइल फोन दिलाएंगे आपका। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ मिलता है डब्बे के अंदर, क्या कुछ है फोन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये डब्बा मिला है, ये है फोन का डब्बा, ठीक है। और ये एक सिम मिली है, ये एक सिम कार्ड मिला है वोडाफोन का, जिसमें 9 महीने का रिचार्ज फ्री है। इसको साइड में भटकते हैं और खोलते हैं। ये कुछ स्पेसिफिकेशन है, चलिए खोलते हैं डब्बे को। डब्बा कुछ ऐसा सा है। ये है मोबाइल का बिल, मोबाइल का बिल मिला है। तो बिल को क्या ही दिखाएं। तो डब्बा खोलते ही हमारे पास आता है ये हैंडसेट। इसको खोल चुके हैं क्योंकि वहां पे टेस्ट करके दिखा के ही देते हैं फोन, कि आप देख लो सही है सब कुछ। तो ये मिलता है फोन, तो कुछ ऐसा सा है। ये पीछे रेडमी की ब्रांडिंग है। तो फोन को मैं पूरी तरीके से सेटअप कर लिया है। आप देख सकते हैं कैमरा, अच्छा कैमरा मिलता है। फ्रंट कैमरा देख सकते हैं, फ्रंट कैमरा भी काफी बेटर है। पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है इसमें, जो काफी अच्छे से काम कर रहा है। वहीं 32 GB और 4 GB रैम मिलती है इसके अंदर। 32 GB स्टोरेज, 4 GB रैम मिलती है। MI का ये वो फोन है और काफी अच्छा है। बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा चल रहा है, काफी स्मूथ है फोन। और देखिए फ्री में मिला है, बहुत अच्छी चीज है। तो ये ऐसा कुछ मिलता है। वहीं देखे जाए डब्बे में और क्या है, तो डब्बे में बाकी कुछ नहीं मिलता। कोई गोरिल्ला ग्लास नहीं मिलता, कोई कवर नहीं मिलता, ये चार्जिंग मिलती है। तो ये कोई फास्ट चार्जर नहीं है, नॉर्मल चार्जर है। तो चार्जर मिलता है और ये सब है इस फोन के अंदर बस। तो ये गवर्नमेंट ने दिया है फोन। दोस्तों, ये आपने देखा कि ये जो फोन मिला है सरकारी तरफ से, काफी अच्छा फोन है, काफी स्मूथ फोन है। और महिलाओं को मिला है जो स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चियां पढ़ रही है, 9th क्लास से पढ़ रही है, जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रही है, गवर्नमेंट ITI कॉलेज में पढ़ रही है, जिन महिलाओं को विधवा पेंशन मिल रही है या दूसरी पेंशन मिल रही है। और एक दो कैटेगरी और है, इंदिरा गांधी अगर उसमें है, मुझे नहीं मालूम, पूरा नाम नहीं मालूम, अगर उस चीज में है तो वो एलिजिबल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको चेक करना है कि भाई आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यही स्मार्टफोन वाली वेबसाइट है सरकारी, वहां पे आपको जाना है और वहां पे आपको अपना जन आधार नंबर डालना है। जैसे आप नंबर डालोगे तो जो जो फीमेल आपके फैमिली में है लोग, उनके नाम आ जाएंगे। फिर आपको अपने मेंबर का नाम सेलेक्ट करना है और वहां पे नीचे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद वो दिखा देगा मैसेज कि भाई आप एलिजिबल हैं या नहीं है। सो रेडमी का ये फोन मुझे तो काफी बढ़िया लगा, फ्री में मिला है और सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए राजस्थान जैसे राज्य में जहां महिलाएं फोन अफोर्ड नहीं कर पाती, काफी गरीबी है, वहां पे सरकारों की तरफ से इस तरह की पहल बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए भारत, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया, जब तक डिजिटल चीजें सामने हाथ में नहीं होगी तब तक डिजिटल इंडिया पॉसिबल नहीं है। तो इसी पहल में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये पहल करी और सब महिलाओं को, मतलब 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिया। ये एक अपने आप में बहुत तारीफ वाली बात है।
सो ऐसा कुछ छोटा सा ये वीडियो था। आई होप आपके फैमिली में भी सबको मोबाइल फोन मिल गया होगा जो जो एलिजिबल है। अगर नहीं मिला तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको मोबाइल फोन मिले जल्दी से जल्दी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए अलग अलग तरीके की वीडियो लाते रहते हैं और अपने प्यार देते हैं। जय हिंद, बाय बाय।